हेलो एंड वेलकम टू ऑल। देखो बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आई है, पाकिस्तान ने रच दिया है नया इतिहास। जी हाँ, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है वास्तव में, और ये इतिहास है ओलंपिक में। और ये इतिहास पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता थी मेल की, उसमें पाकिस्तान ने पेरिस ओलंपिक 2024 में बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और ये रिकॉर्ड 92.97 मीटर का बनाया गया है अरशद नदीम के द्वारा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। देखो बहुत ही कयास लगाई गई थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये चल रहा था कि इस बार हमारा गोल्ड तो पक्का है, लेकिन ठीक है, होना तो वही होता है जो होना होता है, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ये न्यूज़ है जो पाकिस्तान को मिला है गोल्ड, वास्तव में देखो तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि ये पाकिस्तान का अपने आप में ओलंपिक में तीसरा ही मेडल है अभी तक के इतिहास में। यानी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उनके देश में ये मात्र तीसरा मेडल है, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो अरशद नदीम है, वो जो 6 राउंड होता है, चूंकि मैं मैच देख रही थी क्योंकि मेरी पूरी निगाह यहीं पे थी, जो 6 राउंड मैच का होता है, जो 6 थ्रो दिया जाता है, तो पहले थ्रो में ये बहुत नर्वस हो गए और ये परफॉर्म नहीं किए, इन्होंने फॉल किया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे हीरो हैं तो उनका भी जो पहला अटेम्प्ट था उनका, वो भी फॉल हो गया, इन्होंने किया और उनका हो गया, ठीक है। तो लेकिन जो दूसरा राउंड आया, दूसरे राउंड में अरशद नदीम ने 92.97 यानी अप्रॉक्सीमेटली 0.3 से कहें अगर हम, तो जो है ये छूट गया, 93 इनका मीटर चला जाता तो लगभग 93 और एग्जैक्टली 92.97 मीटर का रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है, जो कि पहले ही माइलस्टोन साबित हो गया कि पाकिस्तान का गोल्ड पक्का है। एंड दूसरा जो हमारा स्कोर था जो नीरज चोपड़ा ने किया, तो लगा था कि नीरज चोपड़ा इनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे, लेकिन वो 89.45 पे रह गया। तो 89.45 पे रह के इन्होंने सिल्वर लिया है और पाकिस्तान को मिला है गोल्ड। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एशिया में जैवलिन का ये मेडल आया है, सिल्वर और गोल्ड दोनों ही आया है, दोनों ही पड़ोसी देश भी हैं। और देखो जब हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की, जहाँ पे नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला था, उस टाइम पे जो स्कोर था वो बहुत ही कम पे हुआ था, और इस बार का जब मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब मोस्टली 8 और 6 6-7 ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 87 मीटर फेंका था, और 87 मीटर फेंकने पे तो वहाँ पे मतलब टोक्यो ओलंपिक में तो गोल्ड मिल गया था। तो इसमें जो यहाँ पे जो ट्रेड का मतलब सॉरी इट्स जो नीचे बेस यूज़ करते हैं, जो रूफ था वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ऐसा माना जा रहा था कि उस पर वो ट्रेडमिल समथिंग बोल सकते हैं आप, जिसका असर पड़ता है प्लेयर के स्पीड्स पे, और ये सभी गेम में इसका असर दिखाई दिया। एनीवेज ये मैटर भी नहीं था, हाँ असर पड़ता है, लेकिन जो मैटर है वो है कि किसने कितना क्या जीता, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं वो सभी के लिए बराबर चेंजेस होते हैं, किसी देश के फेवर और किसी देश के नेगेटिव के लिए नहीं होते, चेंज इज चेंज, राइट। तो अब ये हम देख रहे हैं कि नीरज चोपड़ा का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड था, उन्होंने अपने सीजन का बेस्ट दिया, और जो अरशद नदीम है इनका रिकॉर्ड है कि ये 90 और 80 के बीच में ही खेलते हैं, अगर ये 90 मारते हैं तो पूरे के पूरे 90 में ही जाता है इनका जो भी थ्रो होता है, अगर 80 में पहला चला गया तो फिर 80 में ही सारा जाता है। और देखो जो 6 थ्रो था, तो 6 थ्रो में अगर नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो वास्तव में नीरज चोपड़ा ने 2 ही थ्रो किया है, बाद में कि सब उनके फाउल हो गए, ठीक है। और तो 2 थ्रो में नीरज चोपड़ा का जो रिकॉर्ड था वो एज इट इज मेंटेन रहा, लेकिन अरशद नदीम की बात करें तो इस ओलंपिक में अरशद नदीम ने क्या किया है, अपना ही इतिहास को जो है अलग से बनाया है, और जो वर्ल्ड इतिहास था उसे 2 बार तोड़ा है, क्योंकि जो लास्ट का थ्रो आया था ना, तो लास्ट के थ्रो में भी इनके अच्छे स्कोर गए, वो 90 पॉइंट समथिंग के आसपास, यानी अप्रॉक्सीमेटली 91 के आसपास रहे जो इनका लास्ट थ्रो था। तो मतलब एक ही गेम में इन्होंने 2 बार 90 का रिकॉर्ड बनाया, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड 2004 के ओलंपिक का था उसे तोड़ा, जो कि मतलब आप सोच सकते हो 92 पॉइंट अब वर्ल्ड का हाईएस्ट स्कोर हो गया है पाकिस्तान का जो है जेवलिन थ्रो में। और सेकंड में नीरज चोपड़ा का रहा गोल्ड मेडल भारत के लिए। तो अब देखो अब हम बात कर रहे हैं भारत में
है ना, जेवलिन में लगातार गोल्ड और सिल्वर लेने वाले नीरज चोपड़ा पहले बन गए। तो ये भी नीरज चोपड़ा के लिए, भारत के लिए भी एक इतिहास है कि ओलंपिक में लगातार दो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड और पेरिस ओलंपिक में सिल्वर लेने वाले नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में भारत के दूसरे हो गए। देखो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के पूरे ओलंपिक जीवन काल का ही ये तीसरा है ना, तीसरा मेडल है। चलिए दूसरी जो गुड न्यूज है हमारी, वो लगातार हमने भी बहुत बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। पहली बार 52 साल के बाद हॉकी में, हॉकी मेल में हमने लगातार ब्रॉन्ज जीता है 2 बार, क्योंकि इससे पहले जो हमारा टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने ब्रॉन्ज जीता था, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ओलंपिक हुआ है दैट इज अ पेरिस ओलंपिक, इसमें भी भारत ने ब्रॉन्ज जीता है। तो हरमनप्रीत सिंह जी ने बहुत बड़ा कमाल करवा दिया, और ये कमाल जो है 1968 और 1972, ये दो हमारे जो उस टाइम पे ओलंपिक हुए थे उनका रिकॉर्ड अभी तोड़ा गया है 2020 और 2024 का, ये पेरिस ओलंपिक जो कि अपने आप में 52 साल के बाद हुआ है। तो बहुत बड़ी हमारे लिए जीत है। और देखो इसी के साथ साथ जो हमारी इंडियन हॉकी टीम है, इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 15 लाख रुपए हर प्लेयर को, हॉकी टीम के जो भी प्लेयर है जो ब्रॉन्ज जीत के आ रहे हैं उनको मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो अब देखो आज ना बहुत काफ़ी ज़्यादा हो गया है टाइम, क्योंकि मैं इंडिया का टाइम ऑब्वियस सी बात है और पेरिस का टाइम बिल्कुल अलग होता, और ये जो जुगलबंदी थी और ये जो गेम था इसे देखना, मतलब इसे मिस नहीं कर सकती थी मैं, मुझे लाइव ही देखना था इसलिए मैं काफ़ी लेट हो गई। तो आज हम करेंट अफेयर में बहुत ही हल्का देखेंगे जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, और MCQs आज हम नहीं करेंगे अटेम्प्ट, और आज जो क्वेश्चन है वो आपको कमेंट में जैसे आप अटेम्प्ट करते हो वैसे करोगे। एंड सेकेंडली बहुत सारे चेंजेस हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल्स लाए गए हैं जिसे हम PSIR के थ्रू कर लेंगे अलग से, ठीक है। तो अलग से हम इसे देख लेंगे एक बार, और क्योंकि वो हमारा PSIR का भी एक मैटर है, और दूसरा है कि उसे डिटेल से हम जो हमारे जितने भी बिल्स हैं जो भी पार्लियामेंट में अभी सेशन में हुआ उसे एक ही वीडियो में कवर करेंगे, सो दैट वो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंस होगा, ठीक है। अलग अलग वीडियो उसके नहीं होंगे, ताकि एक ही बिल में आप इस पार्लियामेंट सेशन में क्या क्या बिल आए, क्या क्या अमेंडमेंट आए, उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो अभी देखो जो 5th नंबर का हमारा अभी जकार्ता में एक प्रोग्राम हेल्ड हुआ जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एटिगा। तो व्हाट इज एटिगा ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो एटिगा क्या है, ये 5th एटिगा ज्वाइंट कमिटी अभी 29 जुलाई से 1 अगस्त तक हुआ था, और ये कहाँ हुआ था देखो अभी इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एशियन सेक्रेटरिएट के द्वारा सेलिब्रेट किया गया, ज्वाइंट कमिटी ज्वाइंट मीटिंग थी ये जकार्ता में हुआ, इंडोनेशिया राजधानी। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे ये है क्या वास्तव में, ये एक्चुअली में जो है ना एशियन और जो उनके अलग जो कॉरपोरेशन ग्रुप्स हैं उनके बीच में इकोनॉमिकली कॉरपोरेशन को मजबूत करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट अलग से कमेटी बनाई गई है, एशियन प्लस अदर मेंबर्स, है ना, जो एशियन कंट्रीज के इंटरेस्ट को सर्व करते हो। तो फुल फॉर्म अगर हम लोग देखेंगे तो A4 का मतलब एशियन है, I का मतलब यहाँ पे इंडिया है, तो एशियन कंट्रीज एंड इंडिया, समझ गए, तो एशियन कंट्री एंड इंडिया, इंडिया इम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, है ना। तो ये फुल फॉर्म है, ये याद रखना है आपको, एशियन कंट्रीज एंड इंडिया इम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है, देखो बैकग्राउंड में ये है कि 2009 से ये जो एटिगा है हमारा ये चलता है, और ये बहुत ही क्लोजर है एशियन कंट्रीज़ की, जिसमें देख रहे हो एशियन कंट्री में जो भी कंट्रीज़ हैं उसके मेंबर्स हैं 10 के 10, प्लस इंडिया का इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले रहता है इस क्षेत्र में इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में। तो ये अलग से ग्रुप है, इसकी 5वीं मीटिंग हुई थी जकार्ता इंडोनेशिया में। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, देखो बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस है इन्वायरमेंट के व्यू से पूरे वर्ल्ड वाइड, कहीं आग लगी हुई है तो कहीं पे जो है फ्लड आया हुआ है ना। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही फ्लड कुछ दिन पहले आया, सॉरी जो आग लगी हुई थी कुछ दिन पहले थी, और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एनिमल है उनको लॉस हुआ है, और इसी में 13 नए जो स्पेसिस हैं उन्होंने थ्रेटन लिस्ट में डाले हैं,
तो जिसमें आपकी देख सकते हो कैटफिश भी आती है, कॉफ फॉर्बर्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये सब जो आपके पिग नॉइस टर्टल वगैरह हो गए, तो ये सब जो कि पहले कुछ न्यूली ऐसे एनिमल्स हैं, स्पेसिस हैं, जिनको वल्नरेबल लिस्ट में डाला गया था। अब देखो कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनका जो खत्म होने का जो रिस्क है वो बढ़ गया है क्लाइमेट चेंज के कारण। इसलिए 13 नए जो है मतलब आप सोच सकते हो कि थ्रेटेंड लिस्ट में डाले गए। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, बट एमसीक्यू ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में कौन से देश ने थ्रेटेंड लिस्ट में नए स्पेसिस को ऐड किया है। तो आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया गया है कौन से राज्य के द्वारा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो उपस्थिति पोर्टल हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी झारखंड में लॉन्च किया गया है। ये उपस्थिति पोर्टल जो है मेडिकल हेल्थ केयर एडुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इनिशिएटिव है एक्यूरेट ट्रैक कर सके डेली अटेंडेंस, जितने भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल पर्सनल हैं, जो भी गवर्नमेंट के साथ डेडिकेटेड तौर पे जो झारखंड की हेल्थ सर्विस है उसको प्रोवाइड करने में काम करते हैं, तो वो उनकी उपस्थिति इंश्योर करने के लिए उपस्थिति पोर्टल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर्च्यून की 500 ग्रेट कंपनियों की लिस्ट आई है वर्ल्ड वाइड, भारत की कितनी कंपनियां इसमें हैं, देखने वाली बात है, बहुत बहुत ज्यादा देखने वाली बात है। तो टॉप कंट्री कंपनी की बात करें तो रिलायंस आती है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिनका रिकॉर्ड जो रैंक है वो 86 है 2023 में। ये जो इनका रैंक था वो 88 था, यानी +2 ये बढ़े हैं, ठीक है, एक साल में। अच्छा, ये पहले नंबर के हैं किसमें, भारत की टॉप इंडियन की कंपनी में फॉर्च्यून 500 में ये कितने हैं जो है आपके 86 नंबर पे आते हैं। भारत की पहले हो गए, फॉर्च्यून 500 में ये 86 पे आ गए। LIC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सोचिए LIC डूब गई, LIC बिक गई, हमारे यहाँ कितना नैरेटिव चलाया गया था, बट द ग्राउंड रियलिटी इज दैट कि LIC जो है हमारी वो 95 वर्ल्ड वाइड में 95 नंबर की कंपनी है। और रिस्क जो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी जो रैंक है वो 95 है, पिछले साल 107 थी, तो 12 प्लस में बढ़ी है। फिर थर्ड है हमारा IOC, IOC भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। देखो ज़्यादातर सभी गवर्नमेंट टेक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये कितनी है, 116 रैंक आ गई है, पहले इनकी कितनी थी, 94 थी, 22 रैंक का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है ना। SBI की रैंक हो गई है वर्ल्ड वाइड 178, जो कि पहले कितनी थी, 235। एक साल में 57% जो हमारी SBI बड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ONGC की बात करें, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये 180 हो गया है, पहले 158 था, -22 का गिरावट है। BPCL दैट इज ए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये भी 258 है, 233। देख रहे हो गवर्नमेंट वाली कंपनी हमारे ज़्यादा है, ठीक है। तो HDFC बैंक ये प्राइवेट हो गई, तो इनका कुछ नहीं इंक्लूड किया गया था पिछले बार का 2023 का, लेकिन इस बार 2024 में 306 नंबर की कंपनी है पूरे टॉप इंडिया में और वर्ल्ड में 306। और यहाँ पे देखो राजेश एक्सपोर्ट, ये है 473, और पिछले बार इनका कितना था, 353, तो -120 का। देखो तो इसमें दिक्कत भी आई है ना, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे मसाले हैं है ना, उनके बारे में बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्री में चलाया गया नैरेटिव्स की ये बहुत गड़बड़ है, बला बला बला। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनियों ने इनके ऑर्डर को भी कैंसिल किया, चाहे वो MDH हो चाहे राजेश हो। चलिए और देखो वर्ल्ड वाइड जो टॉप पे है वो कौन सी है, वॉलमार्ट, ठीक है। दूसरे नंबर पे अमेजन, तीसरा एप्पल, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि जो पहली है वॉलमार्ट, दूसरा एप्पल, तीसरा अमेजन। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, जस्ट फॉर नॉलेज ही आपको पता होना चाहिए। हाँ, भारत में कौन सी मतलब जो हमारी कंपनियां हैं उनका क्या पोजिशनिंग है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था अभी जो हमने डिस्कस किया आपके साथ। देखो क्वेश्चन आपको ये अटेम्प्ट करना है कि नीरज चोपड़ा ने जो सिल्वर मेडल 2024 पेरिस ओलंपिक में जीता है, तो उनका जो थ्रो था वो कितने मीटर का था, है ना। तो कितना मीटर नीरज चोपड़ा ने फेंका है, ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। गाइस क्या करना है आपको, सेलिब्रेट कीजिए, मेडल आ चुका है, क्या मेडल आ चुका है, सिल्वर आ चुका है हमारे चीते के द्वारा, यानी नीरज चोपड़ा के द्वारा। और दूसरा जो है हमारे पास हॉकी में भी आ गया है इतने समय के बाद ब्रॉन्ज मेडल। तो गाइस डू लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।